हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछले कई वीडियोस में हम आपको देश दुनिया और ट्रैवलिंग की टॉप 10 की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज का हमारा वीडियो अलग है। वैसे तो सब लोगों को पेट्स रखने का शौक होता है और दुनिया के सबसे पसंदीदा पेट्स डॉग्स को माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई डॉग ब्रीड्स हैं जो बहुत ही खूंखार हैं और उन्हें कई देशों में बैन किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। 10 वुल्फ हाइब्रिड। ये अपने नाम से ही अपनी पहचान बताता है। जी हाँ दोस्तों, ये डॉग ब्रीड वुल्फ ब्रीड्स के साथ क्रॉस की जाती है और इसलिए इसमें वुल्फ के कई लक्षण होते हैं। आमतौर पर ये जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं और स्वभाव से ये बहुत खूंखार होते हैं। वैसे तो इन्हें ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर इन्हें ऐसा लगे कि कोई चीज इनकी है और इसे छीना जा रहा है, तो ये बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं और अपने मालिक तक को नहीं पहचानते। वुल्फ हाइब्रिड को दिन में कम से कम 1 घंटे का व्यायाम करवाना जरूरी होता है। 9 जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स में आता है। अपने मास्टर के प्रति ये सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन अगर किसी से इन्हें खतरा लगे तो उस पे हमला करने में ये बिल्कुल भी नहीं रुकते। उन्हें दुनिया के हर कोने में पाला जाता है, पर अगर पालतू ना किया जाए तो ये बड़े खूंखार होते हैं। इनकी हाइट 65 सेंटीमीटर होती है और वेट 40 किलोग्राम तक होता है। 8 बॉक्सर। बॉक्सर डॉग्स को अक्सर गार्ड डॉग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये इनके समझदार होने की निशानी है। बेहद वफादार और खूंखार बॉक्सर डॉग्स की हाइट 60 सेंटीमीटर और वेट 30 किलोग्राम तक होता है। ना सिर्फ इनका खाना बहुत ही महंगा होता है, बल्कि इन्हें हर दिन 1 घंटे से ज्यादा समय तक एक्सरसाइज करनी होती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये डॉग ब्रीड कमजोर हो जाती है। बॉक्सर्स को बच्चों से दूर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव बड़ा ही आक्रामक होता है और गुस्से में ये किसी को नहीं पहचानता। 7 ग्रेट डेन। इस डॉग ब्रीड के डॉग्स दुनिया में सबसे बड़े होते हैं और इसका विशाल शरीर ही इसे ताकतवर और आक्रामक करता है। इनकी हाइट 85 सेंटीमीटर होती है और वेट 90 किलोग्राम तक जाता है। वैसे तो स्वभाव से ये डॉग ब्रीड इतनी आक्रामक नहीं होती, लेकिन खतरे का आभास होते ही ये हमला कर देते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन नहीं होती और इन्हें आसानी से पालतू किया जा सकता है, क्योंकि ये केवल यूरोप के कुछ देशों में ही होते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। 6 चाओ चाओ। चाओ चाओ वैसे तो दिखने में बेहद प्यारे होते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्रॉपर अटेंशन ना दिया जाए तो ये गुस्सा हो जाते हैं। ये अटेंशन के भूखे होते हैं और गुस्सा होने पे किसी को नहीं छोड़ते। ये यूरोप के सबसे पसंदीदा डॉग्स में से एक है, खास तौर पे इनके खूबसूरत बालों के कारण। इनकी हाइट 55 सेंटीमीटर तक होती है, 32 किलोग्राम होता है। 5 डोगो अर्जेंटिनो। सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स में से एक डोगो अर्जेंटिनो यूके और आसपास के कई देशों में बैन है। इन कुत्तों को पुराने जमाने में शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आपसी लड़ाई का खेल भी खिलाया जाता था। ये स्वभाव से ही इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें पालतू करना बहुत मुश्किल होता है। डोगो अर्जेंटिनो इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये अकेले ही जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, और पहले इन्हें इसके लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। इनकी हाइट 70 सेंटीमीटर और वेट 45 किलो तक होता है। 4 डोबरमैन। दोस्तों, अगर आप डोबरमैन के आसपास हैं तो आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने ओनर के प्रति ये सबसे वफादार होते हैं और खतरे की भनक लगने पर भी हमला कर देते हैं। इनकी वफादारी के कारण इन्हें कई जगहों पर गार्ड डॉग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर से काफी मस्कुलर और फुर्तीले होते हैं। कुल हाइट 70 किलोमीटर तक होती है, लेकिन इनका वजन कम होता है। कम वजन के कारण ये बहुत तेजी से भाग सकते हैं और फुर्तीले होते हैं। इन्हें कई देशों में बैन किया गया है और कई देशों में ले जाने के पहले विशेष इंतजाम करने होते हैं। 3 रॉटवाइलर। रॉटवाइलर जैसा कि फोटोज में दिखाई देता है, उससे कई गुना खतरनाक हैं। कहा जाता है कि इसके दांत और शरीर सारे डॉग ब्रीड्स में सबसे ताकतवर हैं।
अगर ये किसी चीज को अपने दांतों से पकड़ ले तो ये अपने शरीर को उस पे झुला सकता है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं है। रॉटवाइलर के कारण अमेरिका में 47 लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी इन्हें पालने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अगर मालिक रॉटवाइलर का ध्यान ना रखे तो ये आक्रामक हो जाते हैं। इनकी हाइट 70 सेंटीमीटर होती है, लेकिन दोस्तों इतनी कम हाइट में भी इनका वजन 60 किलोग्राम होता है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने ताकतवर होते हैं। 2. जापानीज टोसा। दोस्तों इन डॉग्स को सदियों से जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इन्हें पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। यह एक मस्टीफ ब्रीड का डॉग है और लड़ाई के लिए मशहूर है। इन कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बड़ी डरावनी होती है। इन्हें यूके और आयरलैंड में बैन किया गया है। दूसरे देशों में ले जाने पर भी कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कई किलो मांस ये एक दिन में खा सकता है, इसलिए इसका रखरखाव आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। जापानीज टोसा की हाइट 82 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 60 किलो तक होता है। 1. पिटबुल। अमेरिका में सबसे ज्यादा जान लेने के लिए मशहूर पिटबुल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड है। इसका नाम पिटबुल इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्हें पिट्स में उतार कर लड़ाई करवाई जाती थी। ये शिकार और वॉच डॉग दोनों के लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन इन्हें पालना कोई आसान काम नहीं है। पिटबुल की वजह से अमेरिका में 257 लोगों की मौत हो चुकी है, जो किसी भी डॉग ब्रीड में सबसे ज्यादा है। इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर और वेट 30 किलो तक होता है। वैसे तो इसकी हाइट और वेट दूसरों के मुकाबले कम है, लेकिन इससे ये कम खतरनाक नहीं हो जाता। अमेरिका में इसे पालतू करने के लिए मना किया जाता है और यूके सहित कई देशों में इस पर बैन है। वैसे तो ये सारे डॉग ब्रीड्स बहुत ही खूंखार होते हैं, लेकिन सही देखभाल और प्यार से रखने पर ये बड़े वफादार साबित होते हैं। दुनिया के कई देशों में इन्हें पालतू डॉग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप भी इनमें से किसी को अपने घर लाना चाहेंगे दोस्तों? अपने विचार हमें जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे अगले वीडियोस। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।